नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की अमरीका और मिस्र यात्रा पर कल रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग के साथ वार्ता की। भारत की अध्यक्षता में G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक आज चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में शुरू। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे शहर में हत्या। तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज वर्षा, कई जिलों में स्कूल बंद। मौसम विभाग का असम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमरीका और मिस्र की 5 दिन की राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम अमरीकी महिला डॉक्टर जिल बाइडेन के निमंत्रण पर श्री मोदी इस महीने की 21 और 23 तारीख तक अमरीका की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। श्री क्वात्रा ने बताया कि श्री मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी, जहां वे बुधवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। The first leg of his program in the US is in New York, which starts on the morning of the 21st with a celebration of the International Day of Yoga at the UN headquarters in the morning of the 21st. You would recall that the United Nations General Assembly had adopted a resolution proclaiming June 21st as the International Day of Yoga. विदेश सचिव ने कहा कि बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे राष्ट्रपति बाइडेन से भी मिलेंगे। विदेश सचिव ने बताया कि बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रिभोज आयोजित होगा। श्री क्वात्रा ने कहा कि श्री मोदी 22 जून को अमरीकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, व्यवसायियों और अन्य हितधारकों से भी मिलेंगे। वे भारतीय समुदाय के सदस्यों से भेंट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा भारत और अमरीका सहयोग की दिशा में मील का पत्थर है। श्री क्वात्रा ने कहा कि इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू आपसी रक्षा सहयोग होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योग में क्षेत्र में सहयोग की रूपरेखा तैयार करना श्री मोदी की अमरीका यात्रा का महत्वपूर्ण परिणाम होगा। श्री क्वात्रा ने कहा कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 24 और 25 तारीख को मिस्र की राजकीय यात्रा पर काहिरा में होंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली मिस्र यात्रा होगी। विदेश सचिव ने कहा कि राष्ट्रपति अल सीसी के अलावा श्री मोदी मिस्र सरकार में वरिष्ठ सदस्यों, वहां की कुछ प्रमुख हस्तियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत की। वार्ता के बाद श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। अब दोनों देशों के बीच बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन का एक ओवर आर्किंग गाइडिंग डॉक्यूमेंट है और इस स्टेटमेंट ने हमारे मौजूदा डिफेंस कोऑपरेशन के स्कोप और स्केल को भी काफी बढ़ाया है और मेरा मानना है कि यह भविष्य के लिए भी यह मार्ग प्रशस्त करेगा और हमें वियतनामी आर्म फोर्सेज की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने में बेहद खुशी होगी। श्री गियांग 2 दिन की सरकारी यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वियतनाम के रक्षा मंत्री का आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। भारत और वियतनाम व्यापक सामरिक भागीदारी साझा करते हैं। द्विपक्षीय रक्षा संबंध भागीदारी का सशक्त स्तंभ है। दोनों देशों के बीच रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र शांति प्रयासों और दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग, उच्च स्तरीय यात्राओं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
भारत की अध्यक्षता में G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक आज चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में शुरू हुई। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विभाग में भारतीय प्रमुख गीत जोशी ने सत्र का शुभारंभ किया। आर्थिक मामलों के विभाग से चांदनी रैना ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। अमरीका और चीन के प्रतिनिधि कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की चौथी तथा अंतिम बैठक आज से गोवा में हो रही है। केंद्रीय पर्यटन सचिव वी विद्यार्थी ने बताया कि बैठक में पर्यटन के लिए सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के बारे में रूपरेखा को पारित किया जाएगा। पर्यटन कार्य समूह भारत के G20 पर्यटन के अंतर्गत 5 परस्पर संबद्ध क्षेत्रों हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल पर्यटन, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा गंतव्य स्थान प्रबंधन पर काम कर रहा है। सुश्री विद्यार्थी ने बताया कि ये प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाने और 2030 के सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रमुख घटक के रूप में हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल की 2 दिन की यात्रा पर कल कोच्चि पहुंचेंगे। श्री सिंह के शाम को दक्षिणी नौसेना कमान स्थित हाइड्रो शिप्स का दौरा करने की संभावना है। वे नेविगेशनल चार्ट जारी करेंगे और हाइड्रो प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे विदेशी प्रशिक्षार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। बिहार में हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज पटना में होगी। पार्टी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन में बने रहने को लेकर भावी कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के साथ हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के हाल के संबंधों और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रमुख संतोष कुमार सुमन के राज्य मंत्रिमंडल से त्याग की पृष्ठभूमि में ये बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक के बाद पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की दिल्ली की यात्रा निर्धारित है, जहां पर वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। आशा है कि श्री मांझी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ अपने पार्टी के औपचारिक गठजोड़ की घोषणा करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कला और संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान के लिए एकता भारत पुरस्कार 2023 से सम्मानित प्रमुख कलाकारों का अभिनंदन किया। उपराज्यपाल कल श्रीनगर में टैगोर हॉल में एकता सांस्कृतिक प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार विधूड़ी ने इस वर्ष होने वाले अमरनाथ यात्रा की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कल पवित्र गुफा का दौरा किया। 62 दिन तक चलने वाली ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। संभागीय आयुक्त ने स्वास्थ्य, सफाई, शौचालय, बिजली, पीने के पानी और लंगर जैसी विभिन्न सुविधाओं तथा टेंटों की स्थिति का जायजा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कार्मिक तथा प्रशिक्षण मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2004 से 2013 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग ने करीब 2,07,500 भर्तियां की हैं, जबकि पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में आयोग ने 4,06,91 कर्मचारी भर्ती किए। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में श्री सिंह ने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग ने 2004 से 2013 की अवधि में 45,431 भर्तियां की थीं, जबकि बीते 9 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल में 50,906 कार्मिक भर्ती किए गए। उन्होंने बताया कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने भी श्री मोदी सरकार के कार्यकाल में 4,30,594 भर्तियां की हैं, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में 3,47,251 भर्तियां की गई थीं। कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजाब में आतंकवादी हमलों का कथित षड्यंत्र रचने के मामले में भारत को उसकी तलाश थी। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी की गई 40 अन्य आतंकवादियों की सूची में निज्जर का नाम भी शामिल था। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF नामक आतंकी गुट का सरगना था। पंजाब के जालंधर में आतंकी वारदात का षड्यंत्र रचने के अभियुक्त के तौर पर निज्जर की गिरफ्तारी में मदद के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था।
इससे पहले एनआईए ने निज्जर के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया था। निज्जर ने कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तान जनमत संग्रह आयोजित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। तमिलनाडु में कल शाम से तेज वर्षा हो रही है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने राज्य में कुछ और दिन वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। एक दिन में अधिकतम 16 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण चेन्नई हवाई अड्डे से कुछ उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। राज्य के चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लूर सहित 6 जिलों में पिछले 24 घंटे में 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चेन्नई नगर निगम ने किसी भी आपात स्थिति की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नियंत्रण कक्ष खोले हैं। निचले इलाकों में वर्षा के पानी को तुरंत निकालने के लिए 2000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। उधर असम में बाढ़ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। राज्य में कल पूरी रात तेज वर्षा के बाद 11 जिलों में बाढ़ के कारण करीब 34,000 लोग प्रभावित हुए। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और बृहस्पतिवार तक असम के कई जिलों में तेज वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। असम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं कछार, दरांग, धेमाजी, डिब्रूगढ़, लखीमपुर, सोनितपुर और तिनसुकिया। वर्तमान में बाढ़ से 142 गांव जलमग्न हैं और समूचे राज्य में 5,011 हेक्टेयर जमीन पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। भूटान ने कुरिच्चू नदी में जल विद्युत जलाशय संयंत्र से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण असम के निचले भागों में बाढ़ की स्थिति और भी बिगड़ सकती है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि बाढ़ के पानी से कई जिलों में तटबंधों, सड़कों और अन्य ढांचों को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और यातायात परिचालन भी बाधित है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को बचाव तथा राहत कार्यों के लिए तैनात किया गया है। इस बीच राजस्थान के बाड़मेर, जालोर और सिरोही जिलों में चक्रवात बिपरजॉय के कारण हुई तेज वर्षा से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 48 घंटों में बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली जिलों में कई स्थानों पर बहुत तेज वर्षा हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। राजसमंद और उदयपुर सहित कुछ अन्य जिलों में भी तेज वर्षा हुई है। बारिश से संबंधित घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु होने की खबर है। मौसम विभाग ने तेज वर्षा का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई भागों में आज हल्की वर्षा होने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आज सुबह न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज बादल छाये रहने और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के पूर्वी राजस्थान के मध्य भागों में दबाव बनने के कारण दिल्ली में कल भी हल्की वर्षा होने के आसार हैं। नेपाल के कोशी प्रांत में हेवाखोला नदी में शुक्रवार की रात को तेज वर्षा होने के कारण नदी में उफान आ गया, जिससे संखु वासवा जिले में आई बाढ़ में 22 लोगों के बह जाने की खबर है। जल विद्युत परियोजना के 17 कर्मचारी बाढ़ में बह जाने के बाद लापता हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पिछले कुछ दिनों में विभिन्न स्थानों पर बाढ़ और भूस्खलन में जाल जन और माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। कोशी प्रांतीय सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 1,00,000 रूपये की तत्काल राहत की घोषणा की है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पूरे देश में तटीय समुदायों की मदद के लिए $600 मिलियन से अधिक निवेश की घोषणा की है। अधिकारी के अनुसार ये खर्च राष्ट्रपति के जलवायु और ढांचागत बिलों से किया जाएगा, जिसमें समुद्र के बढ़ते स्तर, तूफान और भयंकर चक्रवातों से निपटने के लिए $57,50,00,000 की परियोजना शामिल है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन की अमरीका और मिस्र की यात्रा पर कल रवाना होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वेन गियांग के साथ वार्ता की। भारत की अध्यक्षता में G20 सतत वित्त कार्य समूह की तीसरी बैठक आज चेन्नई के निकट महाबलीपुरम में शुरू हुई। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा के सरे शहर में हत्या। और तमिलनाडु के कई इलाकों में तेज वर्षा, कई जिलों में स्कूल बंद। मौसम विभाग का असम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।